स्पेस दे दो ले ना मेरे यार यार दिस कैमरा वही तो है जो वोटर के लिए उसको पढ़ के सुनाया लवेबल कपल दे विल लिव द लाइफ वेरी हैप्पीली। मैं क्या सुना था जिनकी शादी 8 दिन बाद याद उसमें क्या सुना था तो मैंने सारा उल्टा पढ़ दिया जिनकी शादी उनको मैं कैसे बताऊं यार। उसमें वो सीन एक है अर्श ने कितना प्यार करता है वो सीन अगर आप कहीं डाल भी जाएगा किसी फिल्म में तो शिवाली अपॉर्चुनिस्ट शेट्टी मुसलमानों की बेटी You look center here, sir. Yeah, okay. रमन जी, आप बताइए कुछ मीठा हो जाए। कुछ मीठा हो जाए एक नाटक है। नाटक के लिए कुछ कोई भी नाटक शुरू करने के लिए दो चीजें जरूरी होती है। एक स्क्रिप्ट लिखी जाए जो मैंने लिखी है, एक उसके लिए प्रोड्यूसर हो जो हमारे पावा साहब हैं। तो ये दो एसेंशियल तो आ गए। उसके बाद ये नाटक एक वैसे तो है सीरियस प्ले है, इंटरटेनिंग है, ड्रामा है, इमोशंस है, माँ बेटी की कहानी है, उनके रिलेशनशिप है, कैसे बिटर चले गए और कैसे अच्छे होते होते किस तरह फिर बिगड़ते हैं और फिर अच्छे होते हैं। उन इमोशंस और रिलेशनशिप के उतार चढ़ाव की कहानी है कुछ मीठा हो जाए। मैंने पावा साहब को एक दो और भी आइडिया सुनाए थे, कॉमेडी सुनाई थी, ये सुनाया था, पर पावा साहब का ये कहना था कि कुछ सब्सटेंस होना चाहिए। खाली हम हंसाने के लिए या रुलाने के लिए ना करें नाटक, सब्सटेंस अच्छा होना चाहिए। तो उन्होंने मेरी ये स्क्रिप्ट चुनी और जिस पे फिर सुधा जी को सुनाया, सुधा चंद्रन साहब को सुनाया, मैडम को सुनाया और शी एग्रीड। तो बेटी के रोल के लिए हमने रिधिमा राकेश बेदी, जो राकेश बेदी की डॉटर थी, उसे मैंने काफ़ी नाटकों में देखा था, हमारे थिएटर करती रही हमारे साथ, तो वो भी फिर साथ आई। फिर पेंटल और अवतार गिल ये हमारे दूसरे रोल कर रहे हैं, हर्षिता शुक्ला भी है, पूजा राजपूत भी है, ये सब दूसरे जो करेक्टर्स है कर रहे हैं। रवि गोसाई रोल कर रहा है रिधिमा के हस्बैंड का और उसका बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रोल है, अच्छा बड़ा रोल है। सर आप बताइए आपके लाइफ में इनकी ये प्ले में क्या मीठी लगी? मीठे के हिसाब से रमन जी ने जैसे अभी सब कुछ सारा एक्सप्लेन कर दिया, मेरे को हमेशा यही तमन्ना रही है कि नाटक होए या कोई भी काम मैं करूं उसमें मैसेज कैरिंग जरूर होनी चाहिए। इसमें मेरे को एक मैसेज दिखाई दिया, हम सब चाहते हैं ऑडियंस को हंसाना, वो सब कुछ है इसमें, मसाला भी है, सब कुछ है। एंड ऑफ द डे एक मैसेज भी जाना चाहिए, कुछ समझ भी आना चाहिए, मेरे को वो ज़्यादा मीठा लगा। सर अभी आप प्ले कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ पे प्ले शुरू होगा? हमारी शुरुआत तो बॉम्बे से हो रही है, रंग शारदा में 31 मार्च को शो है हमारा। उसके बाद शो, दूसरा शो भी हमारा अप्रैल में है बॉम्बे में ही, रॉयल ओपेरा हाउस में ही है। और इसके बाद हम ऑल ओवर इंडिया शो करने के प्लान कर रहे हैं। हमारा जैसे दिल्ली में भी बातचीत चल रही है, इंदौर में भी है और चंडीगढ़ में भी हमारी बातचीत है। तो डिफरेंट स्टेट्स में और डिफरेंट सिटीज़ में हम लोग ये प्ले लेके जा रहे हैं। फॉरेन भी जाएंगे ये नाटक लेके, दुबई भी जाएंगे, अमेरिका टूर भी करेंगे। तो वो सब भी प्लानिंग साथ साथ चल रही है जैसे जैसे नाटक तैयार हो रहा है।
और इसमें नाटक में हम आपको हंसाएंगे ज़रूर, हल्का हल्का रुलाएंगे भी, लेकिन बहुत सारा जज्बातों के ऊपर, इमोशंस के ऊपर सोचने पर मजबूर करते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन साहब से, प्ले हमेशा एक हार्ट से जुड़ा हुआ होता है सर, कमर्शियली जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो आप प्ले में इतना दिलचस्पी लेते हैं, आपका 17th प्ले है। थिएटर प्रोडक्शन जो है ना, ये पैशन है, एक अंदर से शौक है, अंदर से इच्छा उठती है, उसी हिसाब से थिएटर प्रोड्यूस करते हैं, वही मजा आता है मेरे को। सर तारा से तो आपने रेवोल्यूशन कर दिया, अब कुछ मीठा हो जाए से थिएटर में रेवोल्यूशन होगा ऐसे लग रहा है आपको? होना तो चाहिए, एक जरूर होगा सर, होना चाहिए, नहीं जरूर होगा। रिलेशन नए तरह का, रिलेशनशिप की नई तरह की बातचीत तो है इसमें, मदर डॉटर के रिलेशनशिप के आर्ग्यूमेंट में एक नयापन तो है इसमें, वही नयापन मैं आज देखता हूँ जो नयापन तारा में था, या जो नयापन मेरे साथ साथ के वक्त था, और वही नयापन मैं आज फिर इस मुझे अभी अभी किसी ने पूछा कि आप हमारी, हमने आपकी फिल्म साथ साथ देखी थी, वो हमें बहुत अच्छी लगी थी, मैंने कहा अगर आपको साथ साथ अच्छी लगी थी तो आपको ये नाटक भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें भी उतना ही नयापन है जितना साथ साथ में था, जितना तारा में था। ये मेरी ज़िंदगी का अगर कहा जाए तो ये अनदर लैंडमार्क होगा ये नाटक, गॉड विलिंग, पॉजिटिव, गॉड विलिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Well, first the excitement was working with Ramanji. When he was doing television, it was always my desire to work with Ramanji, which I missed out. I did a pilot with him, which actually didn't go through. So I always had this thinking I should work with Ramanji. I was thankful because when he came up with the subject and when he narrated to me, it was a beautiful mother-daughter relationship. And talking about Sagarika, which is my character, when I was doing and I was reading the script, there were a lot of similarities between Sagarika and Sudha Chandra. And that was the very interesting part of the story. Ye sab apna mobile band karo re. Kashala re. Sorry, and talking about the character karke again. Well, talking about Sagarika, when I read the script and when Ramanji narrated me the story, as he was narrating, I felt that Sagarika is Sudha and Sudha is Sagarika. Because if you see this character, she's an actress who has had her share of success. Now it's the waning period, but she still has that aura, she still has that fan following. Very defiant. She lives life by on her own terms. And she, what she feels that whatever she's doing is absolutely right. Because she doesn't, she actually values the society, but there are certain things which she decides that she has to do it for herself to survive. So looking at all these things, when I mouth the lines, I almost feel this is Sudha Chandran speaking. And it was a beautiful story. It's a beautiful story about a mother and a daughter. It's about two generations. This generation, Vidhima feels what she says is absolutely right. The mother feels her generation, what she's talking is right. So this is not basically a generation gap. It's the difference of ideologies. And somewhere, the bottom line is, they both still love each other. So that is the beauty of the story. How did you feel when Ramanji narrated the character? I loved it. I just loved it. I think I'm the closest person I am to my mother. I'm not as close to anybody in this world. And when I started reading the lines, I had tears in my eyes. I can't imagine saying such stuff to a mother. Like, forget my own mother, to any mother. I remember when Sudhaji, when we got on, you know, to the rough part where our lines get rougher and rougher. I remember she was taking it up so boldly and I was feeling so guilty. I said, no, this is not me. I don't say such lines. Please forgive me. But the character is such, you know, she has this deep angst and deep hatred in her heart towards her mother, and she's on a mission to destroy her mother. Like, her mission is that I'm going to finish this woman because she's finished my life. And
the more you read it, the more you get into it, you realize that, you know, bottom line is love. That nothing is more important than love in a relationship. And you can do anything to your mother, she will still forgive you. How did it feel working with Sudha ji? Oh my God, how can you, I mean, Jesus. We have grown up watching her and, you know, such an inspiration. I mean, such a terrific actor, such a dancer. I must say one thing, but she is so fantastic. I mean, when you see her perform, you should see the confidence with which she takes off. And you ask about the script, she's bang on. Like the moment I miss my cue, she'll say, ma'am, I think it was this. So it is very important, because as an actress, today we are living in an era where you think, you know, that you are the ultimate. Ki bhai hum jo kar rahe wahi sahi hai. But it's so nice because the entire team, if you see, like Mantal ji, Avtar ji, Ravi, all of us, like, you know, it's like she's playing the central character. So when you talk about being a central character, she's pitted against all the actors. And she's so bang on. And I'm so happy because Rakesh Bedi ji is such a fantastic actor. And I think she's making her father really feel very proud of her. How nice, ma'am. I mean, you know, it's such a great quality in such a senior actor, in such a star, to be able to walk into a space and make everybody feel equal. The word is equal. It's not higher, it's not lesser, it's not, there's no hierarchy. The word is equal. And you know, everybody wants to feel loved. A great project only becomes better when you feel loved. If you're constantly nervous, your performance will not come out. And from day one, ma'am was all about, like, you know, we are one. We are one team, we are working together, we'll progress together. If we fall, we'll fall together. Period. So it's such a great quality, so much to learn that, you know, when I reach that level in my career, I want to be a star who comforts, not terrifies, you know, new actors. It's very easy, you know, to, you don't understand when the stardom starts to get the better of you. It's very natural, I'm sure it happens, you know, but ma'am has, I mean, makes everybody feel loved. I think we've all struggled in our life. Of course. It's not that, like, even like she knows how much her father also has struggled. See, we've all gone through that. Yeah. So, you know, we really don't want to get into that genre at all. And like she rightly said, we rise together, we fall together. Yeah. So that is the teamwork. And we've got a fantastic team. Yeah. It's a team that you would love, you would really miss if you don't meet each other. Yeah. So much of love. Really. Well, if you have the intention, you can always find time for it. Like, I'm doing two projects down south. I'm doing Yeh Mohabbatein on Star. Would be joining a new project shortly. But at the end of the day, I always say that if you want to achieve certain things, 24 ghante hai na tumhare paas. Mat soya karo yaar, kaam kar lo. I think God has been kind that is umr mein bhi, upar wale ne, matlab he's giving us so much of work. And I have always been a very workaholic, and people always say this. कि जब देखो आप सिर्फ काम काम और काम करती हो ऐसे क्योंकि इससे इसके अलावा मैं कुछ जानती ही नहीं सो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल वो डाइंग टू वर्क सी आई अंडरस्टैंड यू नो लाइक इफ यू सिटिंग एट होम एंड नॉट वर्किंग दैट इनसिक्योरिटी किल्स यू इट फिनिशेज यू एज एन एक्टर एंड हियर आई वुड डेफिनेटली लाइक टू कोट मैडम अरुणा ईरानी जी बिकॉज व्हेन आई वाज डूइंग नाचे मयूरी शी प्लेड माय मदर एंड शी हैड टोल्ड मी वन थिंग बेटा एक काम करना कभी घर में नहीं बैठना रोज पिच पे उतरना और क्रिकेट खेलते रहना एक दिन छक्का मारोगे एक दिन चार मारोगे एक दिन नो बॉल करोगे बट लोगों की नज़रों में तो रहोगे एंड दैट वॉज माई गुरु मंत्र मैंने कभी ये नहीं पूछा कि वॉट इज़ माई रोल क्या कर रही हो बिकॉज टुडे देर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ वॉट इज़ गोइंग टू वर्क एंड वॉट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क लाइक व्हेन आई डिड कहीं किसी रोज पीपल सेड अरे यार क्या नेगेटिव कर रही हो ये थोड़ी ना चलना है बट दैट टर्न माई लाइफ सो आई मीन लेट्स नॉट गो वी नेवर गो विद एनी डेफिनेशंस कि ये चलेगा और वो नहीं चलेगा बड़े बड़े मेकर्स ये नहीं बोल सकते कि क्या चलने वाला है और क्या नहीं चलने वाला एट द एंड ऑफ द डे वॉट एवर प्रोजेक्ट यू गेट वर्क विद लॉट ऑफ कन्विक्शन प्रोफेशनलिज्म डेडिकेशन एंड कमिटमेंट एंड डेफिनेटली यू गेट पेड आई थिंक टुडे इवन द मीडियम इज अ मिथ यू नो अ लॉट ऑफ पीपल लाइक आस्क मी दैट ओ एवरीबॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द डिजिटल स्पेस व्हाई आर यू स्टिल स्टक इन थिएटर आई सेड बिकॉज़ दिस इज द रियल टेस्ट बॉस इफ दैट इज T20 दिस इज टेस्ट क्रिकेट एग्जैक्टली लाइक कैन यू सर्वाइव हियर लाइक कैन यू गो विदाउट सपोज इफ माई टीम फॉरगेट्स टू कीप अ प्रॉप ऑन स्टेज एंड माई प्रॉप इज टेकिंग माई सीन अहेड आई कांट टेल द ऑडियंस दो मिनट रुकिए मैं जरा प्रॉप लेकर आती हूँ इट्स डू और डाई बॉस लाइक कांट डू एनीथिंग अबाउट इट
So it makes you so alert, responsible. And also the immediate reaction that you get from audience. See, because if you're on digital, you're on electronic, it's only jab aap kisi se milte ho, when people walk up to you and say, wow, that character was very good. But this is like, you cry, you see the audience crying with you. You laugh, you see the audience crying with you. And after 2.5 hours, they walk up to you and say, what a fantastic performance. I think that is the award that we get at the end of the day. Actors work, I think they live for this. Exactly. It's amazing. But I think stage is a nasha. Totally. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Which one? Let me walk you. Shoot karke aa. Aise karke kamra aa. Record kar liya. Theek. Yes. Producer sir, aap bataiye aapke role ke bare mein. Producer sir? आप इस प्ले में प्रोड्यूसर हो ना सर? नहीं नहीं, बिल्कुल प्रोड्यूसर नहीं हूँ मैं। नहीं सर, प्ले में आपका कैरेक्टर क्या है? मेरा नाम डीके है और शो बिजनेस में डील करता है ये आदमी, और जो सुधा जी है कैरेक्टर, उनका कलीग कहो, दोस्त कहो, सेक्रेटरी कहो, बॉडीगार्ड कहो, प्रोटेक्टर कहो, ऑल इन वन है, वेरी इंपॉर्टेंट मैन इन द फैमिली वो है, उनके साथ है। उनके जो हस्बैंड थे उनके भी दोस्त रहा हूँ मैं पहले, शो बिजनेस में है, करता है, और हल्का सा ग्रे है थोड़ा सा, आप कह सकते हो स्ट्रेट नहीं है इस किस्म का, शॉर्ट में ज़्यादा नहीं बता सकता। आपका रमन जी के साथ बहुत टाइम से रिश्ता है सर, तो इस देखो रमन जी को मैं इसलिए नहीं पूछता कि उन्होंने जब भी मुझे बुलाया इंटरेस्टिंग रोल ही दिया है, चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे थिएटर हो। इवन जो पहला प्ले इन्होंने जिसमें मैंने काम किया था वो भी इन्होंने डायरेक्ट किया था, व्हेन वी आर इन कॉलेज बोथ ऑफ अस, तो उस प्ले में भी इंटरेस्टिंग रोल था, लाइफ का जो पहला प्ले, पहली बार स्टेज पे चढ़ा, तो इनको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब वो रिश्ता कितना पुराना अगर आप पूछोगे तो फिर लगेगा कि हम कुछ ब्लैक एंड वाइट इरा के ज़माने के हैं। बेसिकली जहाँ तक वाइफ की बात है तो ये हैप्पीली मैरिड है, वे शी इज़ हैप्पी आई एम मैरिड, और कैरेक्टर जो है वो अगेन सुधा जी का सिंसियर जोड़ीदार, उनके साथ शुरू से रहा है, तबलची है, लाइक अ फैमिली मेंबर, जैसे अवतार जी ने कहा सपोर्टर, तो कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है, ही इज़ द कॉमिक रिलीफ, और मज़ा आ रहा है करने में, उसमें कुछ अच्छे पंचेस वगैरह हैं, सो आई एम श्योर के इतने सीरियस मुद्दे जो माँ बेटी के बीच में, जो इतनी इमोशनल, जो इतना ब्यूटीफुल पूरा ग्राफ है, उसके बीच में थोड़ा सा रिलीफ, आई एम श्योर पीपल विल लाइक इट, एंजॉय इट, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द अदर हाफ ऑल्सो। मैं बताऊं कि मैं आई एम वेरी अनलकी कि मुझे कभी चांस नहीं मिला पेंडल जी के साथ काम करने का, बट आई यूज टू कौन सा पायलट करने, वो पायलट किया था एक, उसको नहीं मिल रहा, एक पायलट किया था जो कभी आया नहीं सीरियल का, आई नेवर गॉट चांस, और मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस है, बट मैं इनको एज ए पर्सन बहुत टाइम से जानता हूँ, इज ए डार्लिंग, इट्स ए प्लेजर टू वर्क, इज ए फ्रेंड, एल्डर ब्रदर, वॉट एवर यू से, damn good, it's I mean he's fun, he's lovable person. और जिस तरह इन्होंने कहा कि इन्हें अफसोस है कि काम करने का मौका नहीं मिला, मुझे ये थोड़ी तसल्ली है कि थैंक गॉड मैंने इनके साथ काम नहीं किया, वरना ये मेरी बड़ी खिंचाई करते, इट वुड हैव बीन वेरी, मेरी ये हिम्मत, मेरी ये हिम्मत कर ही सकता, बट एनीवे मजाक कर रहे हैं, नहीं मैं कभी खिंचाई नहीं, सीरियस थॉट, मुझे भी बड़ा अफसोस होता है कि इतने अच्छे इंसान, इतने अच्छे एक्टर, इतने वर्सेटाइल एक्टर के साथ मुझे भी अनफॉर्चुनेटली मौका नहीं मिला, और ये मौका अभी रमन जी ने फाइनली दे दिया, उन्हें पूछा मांगो क्या मांगते हो, मैंने कहा मुझे पेंटल जी के साथ काम करना, वाह, बोले तथास्तु, तथा वही हो गया, तथास्तु किया कि मैं प्रकट हो गया, तो ये काम रमन जी ने करवा दिया। देखिए स्माइल भी देखिए कितनी बदमाशी की स्माइल है,
अब हर आदमी की स्माइल आपकी स्माइल की तरह खूबसूरत होनी चाहिए। आ ना मारे जा मारे। ये इनसे इसकी खास बात क्या है कि अवतार से आप बातों में तो कभी जीत ही नहीं सकते। बट एनी वे आई एम वेरी लकी टू बी इन दिस ग्रुप। इज अ डार्लिंग। रमन जी के साथ काम करके, पावा साहब के साथ काम करके, सुधा एंड बाकी जितने लोग हैं, और एक और बदमाश हमारे साथ है रवि गोसाई, इन सब से इन सब के साथ काम करके बड़ा अच्छा लग रहा है। और इन फैक्ट थैंक्स टू ऑल ऑफ दीज पीपल जिनकी वजह से आई एम फीलिंग वेरी यंग। थैंक यू। व्हाट डू यू मीन यू आर ए यंग? यू आर द यंगेस्ट। देखा मौका नहीं छोड़ते। थैंक यू। टीनेजर। टीनेजर। या यू आर आवर इंस्पिरेशन यार। थैंक यू। यू आर अ रॉक स्टार। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। कुत्ते चलो आए किसके बराबर रमन जी। सर आप आइए ना। पालो सुधा मैम को बुला लो। रोहित हस्बैंड ऑफ रीमा। ये फिल्म, ये जो थिएटर है, जो प्ले है, ये एक माँ बेटी की कहानी के ऊपर है। और मैं बेटी का जो मेरा जो रोल है वो रोहित का रोल है, जो बेटी का हस्बैंड है, सुधा जी की जो बेटी है, जो रिधिमा प्ले कर रही हैं। और ये कड़ी है माँ और बेटी के बीच में। और जैसे कि फिल्म का जो मैसेज भी बहुत टाइटल से क्लियर होता है, कुछ मीठा हो जाए। अरे बाप रे। अच्छा, ये जो नाटक है कुछ मीठा हो जाए, उसमें मैं रिधिमा जो कैरेक्टर प्ले कर रही है रीमा का, उसका हस्बैंड का रोल कर रहा हूँ, जो सुधा जी प्ले कर रही हैं सागरिका, उसके हस्बैंड का रोल प्ले कर रहा हूँ मैं। वो कड़ी है माँ और बेटी के जो बीच की कड़ी है, जो उनको हमेशा जोड़ के रहना चाहता है। तो ये एक जैसे प्ले का टाइटल है कुछ मीठा हो जाए, तो इसकी बातें मीठी बातों से ये चाहता है कि बीच में से उनकी जो कड़वाहट है वो दूर हो जाए। आपको ये कैरेक्टर में क्या एक्साइटिंग लगा? कैरेक्टर में मुझे सबसे पहली बात रमन जी के साथ काम करना था, और वो मैं बहुत एक्साइटेड था, बहुत टाइम बाद काम कर रहा हूँ। और दूसरा, ये कैरेक्टर जो है बहुत नाटक के अंदर एक ट्विस्ट लेके आएगा जो मैं नहीं बता सकता हूँ। तो वो कुछ घुंडियाँ हैं जो नाटक की, जो इस कैरेक्टर से जुड़ी हुई हैं। तो आप प्ले देखिए, फिर पता चलेगा। रुंझुन, शी इज़ लाइक अ गॉसिप क्वीन। उनको उसको सब खबर है कि सागर के घर में क्या होता है, डीके कब आता है, डीके कब जाता है। तो शी इज़ लाइक अ पर्सन हु वॉन्ट्स टू बी अ सुपर स्टार लाइक सागरिका, एंड समहाउ शी इज़ ट्राइंग टू कन्वे ऑल द मैसेजेस टू रीमा। वो आती है, इनडायरेक्टली बोलती है, बट सब बोल देती है कि घर में क्या हो रहा है, सो दैट एक ड्रिफ्ट बना रहा है मदर एंड डॉटर के बीच में, और सागरिका इसे सपोर्ट करे टू बिकम अ स्टार। सो दैट्स हाउ इट गोज। Everything is exciting. She's very bubbly, she's very energetic, and of course Raman ji. So it's very exciting. And she's very lively, I guess. Archita, you play the tabalji spell half, jo usko bhi tabla bajati rehti hai. Actually. So, आपको कैसे लग रहा है अपने कैरेक्टर के बारे में? It's a very funny character, because उसका नाम ही बहुत प्यारा है, चुटकी। तो नाम में ही इतना कुछ है, और जब वो आती है और अपने एक्शंस के साथ करती है परफॉर्मेंस, तो उसमें भी बहुत एंजॉय है। और पेंडल सर के साथ में करना, तो बहुत ही मज़ेदार एंड फनी कैरेक्टर है। और आप जब प्ले देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। पर पेंडल जी जैसे
सीनियर एक्टर के साथ दबा के प्ले करने वाला एक रोल प्ले करना कैसा लगा? ये ऑनेस्टली मेरे लिए मतलब फर्स्ट टू थ्री डेज मतलब मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि रमन सर मुझे बोलते थे तू कर हर्षिता जो तुझे करना है, तू खींच उसको पकड़ के. और मुझे लगता था सर पेंटल सर है, मैं कैसे करूँ उनके साथ. बट थैंक्स टू पेंटल सर कि उन्होंने मुझे एज ए को एक्टर इतना सपोर्ट किया. तो खींचना कॉलर पकड़ और वो एक कॉन्फिडेंस जो एक बिल्डअप हुआ है कि इतने सीनियर मोस्ट एक्टर के साथ में आप कर रहे हो उनकी वाइफ का कैरेक्टर. तो अब धीरे धीरे करके और मज़ा आ रहा है उनके साथ. Yes, 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 yes. आपने पूछा और मैं सारी लाइन्स अभी भूल गई. गाऊं क्या मैं? वही गा रहे थे. तुम गाओ. अभी जो गा रहे थे. कौन सा? मैंने कहता था ये गाएगी. हाँ. सिंगर. मैं बहुत अच्छी सिंगर नहीं हूँ बट ठीक है. बहुत अच्छी सिंगर है. हमारी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हुई जावे. थैंक यू. अच्छा ये भी बहुत अच्छा गाते हैं. एक लाइन इनसे भी सुनो ना. प्लीज. यस. ओके. आई थिंक आई थिंक सेम लाइक. मुझे सब गाने भूल चुके हैं. एक्चुअली यही मेरे साथ हुआ. हमरी अटरिया पे आ जाओ सवरिया, देखा देखी तनिक होई जाए. हमरी अटरिया पे. आई एम सो नर्वस नाउ. सेम सॉन्ग थोड़ा सा डिफरेंट जाएगा. अच्छा चलिए ठीक है. बड़ा मुश्किल. ओके प्लीज प्लीज. ओके लेट्स ट्राई. हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हुई जाए. हमरी अटरिया पे. थैंक यू. मैं सुन लिया है बात. मैं आ जाऊं. थैंक यू. थैंक यू. सही है. फुल इंसिग्नेंट है. बहुत सारे सॉन्ग. यार ये कुलावा है. प्लीज मैरी टू समवन एल्स. अक्सर मैं दूसरे ही. ये क्या हो रहा है? शुरू करें. शुरू करो. एक्शन. चल निकल. भाभी जब यहाँ क्यों खड़ी है? बाहर नहीं खड़ी हूँ, अंदर ही आ रही थी. ये रहे आपके पति देव. तुम अपना मुंह बंद रखो. अरे चुटकी तुम यहाँ क्यों? क्या हुआ? क्यों आ नहीं सकती थी? अरे हाँ साहब जी का बर्थडे सवेरे से पंडित जी को बुलाया, पूजा कराई, गरीबों का इनके नाम की दान दक्षिणा भी की, लेकिन जब केक लेने की बारी आई तो मुझे ही भूल गए. आपको नहीं बताया था ये मेरे साथ केक लेने आए हैं? मुझे लगा आपको तो पता ही होगा. आपने इनको नहीं बताया? छिड़क दिया पेट्रोल. चौरसिया अंकल आपने इन्हें नहीं बताया? वेरी बैड. क्या रीमा दीदी तुम भी इनके साथ मिल गई हो? सब जानती हूँ इनके बारे में. जहाँ जहाँ ये तितली जाती है उसके पीछे पीछे फवरे की तरह चले जाते हैं. नंगी पुंगी नंगी पुंगी नंगी पुंगी बोलते रहते हैं. चलो अभी भागने वाला कर दो. ओके भागने वाला कर दो. चल भागो भागो भागो. अच्छा नहीं कहना था. नहीं कहना था. अच्छा बोली. हाँ जो ओह रीमा आई हुई है. अरे 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 इसके सामने नहीं कहना था. I'm so sorry रीमा. I'm so
बाद में आऊंगी, मैंने जो भी खाना उसमें प्लीज ध्यान मत देना, मैं फिर से आऊंगी बातें करने। हम तो ठीक है, क्लियर है। ठीक है सर, रात भर यहीं रहते हैं। बकवास कर रही है वो लड़की, बकवास भी पीछे की जाती है। हाँ वो रहते हैं मेरे साथ, मुझे नींद नहीं आती, मैं परेशान सी रहती हूँ, इसलिए जब तक मुझे मैं सो नहीं जाती तब तक वो। तो सो जाने में तुम्हारी मदद करते हैं। हाँ बकवास कर रही हो तो कितनी बार झूठ बोल दिया वो लड़की, तो हो गया सब हो गया। हैंसी फॉलो करो ना स्क्रिप्ट को, फॉलो तो करो, कोई तो है। हैंसी इधर आओ, फॉलो करो स्क्रिप्ट। देखो रीमा, तुम इतनी दूर फ्लाइट पकड़ कर यहाँ आई, अगर तुम इसी तरह मेरे साथ झगड़ा करना चाहते हो तो बेहतर यही होगा कि तुम फ्लाइट पकड़ कर वापस दिल्ली जाओ, ड्राइवर को मैं एयरपोर्ट छोड़ देगा और मेरी बात कान खोल कर सुनो। देखिए तुम्हारे पापा के दोस्त उनके साथ मेरा कभी कोई अफेयर नहीं था, और आज भी वो सिर्फ उसी हैसियत से इस घर में रहते हैं। हाँ उसे बहुत अच्छा लगता है मेरे आगे पीछे घूमना, और मेरी एक बात कान खोल कर सुनो, आज की इस मॉडर्न सोसाइटी सबसे सबसे दुख की बात यह है कि औरत को हमेशा ये दिखाना पड़ता है कि वो अकेली नहीं है इस समाज में, जो गिद्धे हैं इस समाज में, जितने भी दरिंदे लोग हैं ना उनसे बचने के लिए। नहीं, जो सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो ना उसका जवाब है नहीं। देखिए तो क्या, मैंने कभी किसी के साथ कोई अफेयर नहीं किया है। I've always been a very loyal and obedient wife to your father, and I still continue to remain so. इसीलिए वेट, अब इसके बारे में हम कभी डिस्कस नहीं करेंगे। बस मतलब बस। बस तो उस दिन होगी जिस दिन तुम अपनी हरकतों से बाज आओगी। तो डिक के अंकल भैया ही रहते हैं। वही रखो, अच्छा रहेगा। लो भाई कुछ मीठा हो जाए। मीठा हो जाए।